Hello students, all of you are most welcome in today's lecture. Today we are going to solve question number 8, 9 and 10 from practice set 3.2. Topic आपको मालूम है arithmetic progression चल रहा है part 7. Part 6 में हमने question number 5, 6 and 7 किया था. पार्ट सेवन में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 11, 8, 5, 2. इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म इज नंबर -151. मीन्स -51 कौन सा टर्म है? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, वैसे ही -51 कौन सा टर्म है? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि -51 कौन से टर्म पर आएगा? T18 आएगा, T20 आएगा, T कौन सा आएगा? ये तो हमें निकालना है. तो देखिए लेट्स स्टार्ट. ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है. इसमें फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं, 11 है. कॉमन डिफरेंस भी इक्वल T2 -T1. 8 - 11 करो तो -3 आएगा. -11 में से आप 8 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो डिफरेंस -3 का. देखो ना, 5 में से आप 8 माइनस करो तो -3 बचेगा, 2 में से 5 को माइनस करो तो -3 आएगा. तो कॉमन डिफरेंस क्या है? -3. और आपका जो लास्ट टर्म है tn, वो आपको दिया हुआ है क्या? -151. तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो टर्म मिल जाएगा कि 1 - 151 कौन सा टर्म है. लेट्स फार्मूला कौन सा रहेगा? tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. So, आपको TN लास्ट टर्म मालूम है -151, A की वैल्यू है 11, N -1, we have to find out the value of N. Now D -3. So solve it. 11 plus -3 का मल्टीप्लाई करो 10 से तो -3N, माइनस एन माइनस प्लस 3 बन जा 3. वाह. अब -151 11 प्लस एन माइनस -3 एंड ये प्लस 3 रहेगा. -151 11 एंड प्लस 3 14 हो जाएगा, -3 ट्रांसफर कर दो. -3 को इस तरफ ट्रांसफर करके लाओ लेफ्ट में तो ये प्लस 3 हो जाएगा, और राइट में लेके जाओ 14 ये प्लस हो जाएगा -151 इस तरफ आके प्लस 151. 3n इक्वल्स टू 5, 6 एंड 1, 165. देयरफॉर n इक्वल 165 डिवाइडेड बाय 3. तो 5 3 15, रिमेनिंग 115 हो गया. 5 3 15, और सॉरी 3 5 15 एंड 1 रिमेनिंग आएगा तो 3 5 15 55. सो इससे अपने एन की वैल्यू क्या है? 55. देयरफॉर आंसर क्या है? देयरफॉर 55th टर्म इज -151. आपको कौन सा टर्म -51 बताने का है? तो 55th टर्म इज -151. तो आपको यही पूछा था कि -151 कौन सा टर्म होगा, तो -151 55th टर्म होगा या है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? सो हमें क्या निकालना है कि 10 टू 250 के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है. तो क्वाइट सिंपल, बहुत इजी एकदम है. हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स पहले हम सेट तैयार कर लेंगे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर set of natural number from 10 to 250 which are divisible by 4. तो first term, first है 10. क्या 10 4 से divisible है? नहीं. 11? नहीं. 12? Yes. 4 3 जा 12. तो 12 first natural number है जो 4 से divisible है. 10 to 250 के बीच में फिर 16 आ जाएगा. 4 4 16,
फिर 20 आ जाएगा, 4 5 का 20, 4 6 का 24, ऐसे डैश डैश डैश। लास्ट का 250 डिविजिबल है, डिविजिबल वाला ग्रुप डेसिमल में आएगा, कंप्लीट डिविजन होना चाहिए उसका, 250 कंप्लीट डिविजन, मतलब उसमें डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। तो 248 देखो आपका कंप्लीट डिविजिबल है, 4 6 का 24, 4 2 का 8, तो 248 इज द लास्ट। इसमें हम क्या लिखेंगे, 8 पर क्या आएगा 12, कॉमन डिफरेंस डी 4 का है, हर बार 4 4 आएगा, और लास्ट टर्म ट्रिगन क्या है 248, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। कितने ऐसे नंबर है नेचुरल नंबर जो डिविजिबल है 4 से, इन बिटवीन 10 टू 250, ठीक। नाउ देयरफॉर tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। tn की वैल्यू 248, a 12 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट d की वैल्यू 4। नाउ 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस मल्टीप्लाई कर 4 से, 4 है, 4 1 जा 4, 248 12 में से 4 माइनस कर दो 8 आए, इज इक्वल्स टू 4 है। नाउ अभी 248 माइनस 8 हो जाएगा इसमें बाकी, इज इक्वल्स टू 4 है, 48 था ये, तो 48 में से 8 माइनस करो तो 240 बचेगा, इज इक्वल टू 4 है। नाउ 240 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n, 4 6 जा 24, 60, n की वैल्यू क्या है 60, देयरफॉर n इक्वल टू 60। तो देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर, देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स इन बिटवीन 10 टू 250 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। तो यहां पे आंसर जाएगा देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स, 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। 10 8 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो 8 और 9 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 9th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, आपने 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, सो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 17 टर्म्स निकाल लेते हैं, टीएन का फॉर्मूला, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। नाउ 17 टर्म ए प्लस 17 माइनस वन इंटू टी, 17 टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 16 डी। अगर 17 टर्म पूछा है तो ए प्लस 16 डी, अगर 18 टर्म पूछेगा तो ए प्लस 17 डी, 19th टर्म पूछेगा तो ए प्लस 18 डी, एक कम कर देने का बस, तो 17 टर्म निकल गया। सिमिलरली सिमिलरली हम 10th टर्म भी निकाल सकते हैं, तो टी 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस 90 हो जाएगा। ये मैन है फटाफट निकाला। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन या फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन या कंडीशन, कंडीशन क्या कह रहा है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से क्या है 7 ज्यादा है, 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। तो मैं अगर 10th टर्म में 7 ऐड कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। टी 17 की वैल्यू क्या है देखो, ए प्लस 16 डी, टी 10 की वैल्यू ए प्लस 9 प्लस 7 प्लस, वैल्यू सुटअप कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ना देखो दोनों तरफ इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों में ए है सेम है तो ए कैंसिल हो गया। अभी ये 16 डी है, 90 ट्रांसफर करो इस तरफ तो माइनस हो गया 90, इज इक्वल टू क्या बच गया 7,
16 में से 9 गया तो 17 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 7 देयरफॉर डी इक्वल्स टू 7 अपॉन 7 देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 1 आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज 1 कॉमन डिफरेंस इज 1 ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सो दिस वन इज आल्सो गुड क्वेश्चन तो आज हमने जो तीनों क्वेश्चन किए 8 9 एंड 10 होप सो ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट थे पहली बात तो और होप सो कि आप सबको समझ आया हो अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा और आप लोग वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ठीक से पढ़ते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू